नमस्कार दोस्तों, जय भारत। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में 22 लैब को कोरोना वायरस टेस्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। इन लैब्स की 15,000 सेंटर पर जांच कराई जा सकती है। कोरोना की टेस्टिंग दो चरणों में की जाती है, जैसे कि स्क्रीनिंग और कंफर्मेशन टेस्ट। भारत में कोरोना वायरस लगातार पैर पसरता जा रहा है। अब तक देश में इस जानलेवा वायरस के 600 से ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वही कोरोना के कारण देश में 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस का टेस्ट पहले सरकारी अस्पतालों में ही किया जाता था, लेकिन इस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने प्राइवेट लैब को भी इस टेस्ट की मंजूरी दे दी है। इस खबर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टेस्ट की फीस कितनी है और आप यह टेस्ट कहाँ और कितने लैब्स में कर सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देश की 22 लैब को मंजूरी दे दी गई है। इन लैब की 15,000 सेंटर पर जांच कराई जा सकती है। ICMR ने अपील की गई है कि बेवजह सेंटर पर जाकर टेस्ट न कराए, आप अपने चिकित्सक की सलाह पर ही टेस्ट के लिए जाए। ICMR की ओर से जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार कोरोना का फुल टेस्ट करने के लिए आपको 4,500 रुपये खर्च करने होंगे। इसके अलावा अगर आप सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 1,500 रुपये देने होंगे। वही अगर आप कोरोना कंफर्मेशन टेस्ट कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको 3,000 रुपये का खर्च आने वाला है। दिल्ली में जहां 4 लैब को टेस्ट करने की मंजूरी दी गई है, तो महाराष्ट्र में 8 लैब को इस टेस्ट के लिए पात्र ठहराया गया है। दिल्ली में डॉक्टर लाल पैथोलॉजी, डॉक्टर डेंग्स लैब, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल और साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में इस जानलेवा वायरस का टेस्ट कराने के लिए मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र में इन लैबों के नाम है थायरोकेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दूसरा है सब अर्बन डायग्नोस्टिक, तीसरा है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड, चौथा है सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, पांचवा है SRL लिमिटेड। इन लैब के लोकल कलेक्शन सेंटर भी बनाए गए हैं। यह लैब घर बैठे ही टेस्टिंग की सुविधा भी आपको देने वाले हैं। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने इन लैबों को टेस्ट की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप घर पे बैठ कर ही कोरोना वायरस से अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। बिना काम वजह बाहर ना निकले और अगर जाना होगा तो मास्क पहन के जाइए और अपने हाथों में सैनिटाइजर लगा के ही बाहर निकले।